हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाने जा रहे हैं प्रॉन फ्राइड राइस। शुरू करते हैं। सनफ्लावर ऑयल। अब मैं एग्स, तीन अंडे लिए मैंने, तीनों को इसमें ब्रेक करूंगी। थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, मैंने थोड़ा सा बटर भी डाल दिया। सब्जियों में मैंने ली है चॉप्ड कैरेट्स, बेबी कॉर्न, मशरूम्स, बेल पेपर्स और कैप्सिकम, फ्रेंच बीन्स और कॉर्न्स। पहले कैरेट्स और बीन्स, बेबी कॉर्न, कॉर्न, कैप्सिकम और लास्ट वेजिटेबल दैट्स गोना गो इन इज मशरूम। थोड़ा सा नमक और डालूंगी, मेरे पास कल के बचे हुए राइस है तो इसीलिए मैंने सोचा कि फटाफट फ्राइड राइस बना लेते हैं। बाय द वे, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट है यूके में तो टेस्को वगैरह पे या सेंसबरी में ये सारी चॉप वेजिटेबल्स का ऑलरेडी एक बना हुआ पैकेट मिलता है, तो आप वो भी ला सकते हो। बना हुआ मतलब फ्रोजन वेजिटेबल्स का पैकेट होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सब काटने के लिए, तो और भी ज़्यादा जल्दी सब बन जाएगा। ये ऑलरेडी कुक प्रॉन्स है, इनको ज़्यादा कुक नहीं करना है वरना वो रबरी हो जाएंगे। इसको एकदम लास्ट स्टेज पे अब मैं मिला दूंगी। अगर आप रॉ प्रॉन्स ले रहे हैं तो आप पहले प्रॉन्स को सोया सॉस और नमक में, और अगर आपके पास ऑयस्टर सॉस भी है थोड़ा सा ऑयस्टर सॉस डाल के उसको मैरिनेट करके 10 मिनट के लिए रख सकते हैं। बट दीज आर ऑलरेडी कुक, सो आई एम जस्ट गोना ऐड देम और सॉसेस में इसके बाद डालूंगी। ऑयस्टर सॉस, ये है डार्क सोया सॉस, ब्लैक पेपर, अब मैं डालूंगी जो मेरे राइस रात के बचे हुए हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, और अगर आपको नमक खाने के बाद कम ज़्यादा लगता है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बहुत ही क्विक फटाफट बन जाने वाली रेसिपीज़ है। मुझे एज अ स्टूडेंट जब मुझे जाना होता था क्लासेस के लिए तो फटाफट मोस्ट ऑफ द डेज कुछ ना कुछ बनाना होता था, तो ये रेसिपीज़ काम आती थी। ये मेरे पास थोड़ा सा विनेगर पड़ा था तो आई एम जस्ट गोना पुट इट ऑन टॉप। इसको अच्छे से मिला देंगे, क्योंकि मेरे पास ये सारी सॉसेज ऑलरेडी पड़ी हुई है तो मैं थोड़ा सा सेसमे ऑयल भी डालूंगी। ये बहुत कम डलता है क्योंकि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग तिल का फ्लेवर होता है सेसमे का, बट अगर आप चाहते हो तो इसको अवॉइड कर सकते हो। गार्लिक मेरे पास था नहीं, तो मेरे पास बाय चांस गार्लिक पाउडर पड़ा है क्योंकि ये रेसिपीज़ में यूज़ होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा, मुझे अभी याद आया कि गार्लिक का स्वाद नहीं आ रहा तो हल्का सा ऊपर से डाल देती हूँ। गोना मिक्स इट, इसका बिल्कुल गार्लिक ही टेस्ट हो जाता है। गार्लिक से बहुत अच्छा स्वाद आता है, तो आप गार्लिक ज़रूर डालें अगर आपके पास है घर में पड़ा हो, और मेरे पास नहीं था। गार्लिक पाउडर से एकदम उसका जो फ्लेवर है वो एनहांस हो गया है, तो भूलिएगा मत गार्लिक। अगर आपके पास फ्रेश गार्लिक है तो आपने बिल्कुल जब तेल गरम करना है और अंडा जब हो जाएगा उसके बाद फिर गार्लिक डाल दो सब्जियाँ डालने से पहले। ये स्प्रिंग अनियंस मैं छोटे छोटे चॉप कर रही हूँ,
गार्निशिंग के लिए, और थोड़ी सी मैं मिर्ची भी डालूंगी गार्निशिंग के लिए, फ्रेश ग्रीन चिलीज। अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। आई एम जस्ट यूजिंग द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द स्प्रिंग अनियन। ये है ग्रीन चिलीज, क्योंकि मैंने बिल्कुल चिली वाला इसमें और कुछ डाला ही नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं या किसी यंग इंसान के लिए बना रहे हैं जो नहीं खाता है चिलीज, तो आप अवॉइड कर सकते हो। आई डिडंट पुट एनी चिली बिफोर, सो आई एम जस्ट गोना गार्निश इट विद सम चिली। मैं गैस बंद कर दूंगी और फाइनल एक स्टर। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ऐसी क्विक रेसिपीज बहुत ज़्यादा काम आती हैं। दिस इज प्रॉन फ्राइड राइस, और इसके अलावा कल मैंने पाव भाजी की भी रेसिपी डाली थी, तो आई होप यू रियली लाइक्ड इट। अगर आपको लगता है कि ये रेसिपीज यूजफुल है फॉर योर सेल्फ और फॉर एनी वन इन द फैमिली और योर फ्रेंड्स हु आर अब्रॉड, या फिर वो घर पर नॉर्मल सिंपल रेसिपीज बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनके साथ मेरा चैनल ज़रूर शेयर करें और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन फॉर एवरीथिंग आई पोस्ट। थैंक यू, बाय बाय। भाई मार्केट वाला स्वाद है नाइस। पता क्या याद आ गया, बॉम्बे में ना हम लोग स्ट्रीट फूड खाते थे, उसमें फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस और ये सब, तो बिल्कुल वैसा स्वाद है। 10-15 मिनट में बना दिया तूने, वाह। अगर सब्जियां कटी हो तो 10 मिनट में बन जाए। मैंने सब्जियों को बॉईल नहीं किया था, तो एक बहुत ही क्रंची स्वाद आ रहा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अर्जुना को भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ज़्यादा क्रंच पसंद नहीं है तो आप बॉईल करके डाल सकते हैं। ज़्यादा बॉईल नहीं करना है वरना वो टूट जाएंगी, मैश हो जाएंगी, हल्का बॉईल करके। बट ट्रस्ट मी, ट्राई इट विदाउट बॉइलिंग इट।